अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, लर्निंग विद स्माइल के साथ मैं हूं मोहम्मद अदनान बशीर और आज मैं आपको इस वीडियो में टॉप 3 मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग फेसबुक पेज यानी कि फेसबुक पेज बनाने के 3 मोस्ट यानी कि 3 बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले तरीके मैं आपको बताऊंगा कि जिनकी मदद से आप अपना इंडिविजुअली यानी कि अपना अलहदा से फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं। उसको आप किस तरह से क्रिएट करेंगे और कौन से 3 मेथड्स हैं, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें ताकि आप मुकम्मल तौर पर प्रोसेस को अच्छी तरह से सीख सकें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिसका नेम है लर्निंग विद स्माइल। तो चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले आप ओपन करें अपना ब्राउज़र। ओपन करने के बाद आप उसमें अपने अकाउंट को लॉगिन करें। मसलन मैंने ये ओपन किया फेसबुक अपना अकाउंट, उसके लॉगिन कर दिया। इसके कौन से 3 मेथड हैं? सबसे पहले फर्स्ट मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आप ये देखें कि ये लेफ्ट साइड पर इसमें जो नज़र आ रहे हैं एक्सप्लोर में इवेंट्स पेजेस क्रॉप्स फ्रेंड लिस्ट्स फ्रेंड पेजेस फीड्स वगैरह, इनमें से आप यहाँ पर पेजेस पर क्लिक करें। जब आप पेजेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये शो कर देगा कि आपने कौन कौन से पेजेस वगैरह को लाइक किया हुआ है। मसलन ये देखें, मैंने 2 को लाइक किया हुआ है, एक का नेम है फन विद स्माइल, एक का नेम है स्माइल जॉक्स, ये दोनों मेरे अपने हैं फेसबुक पेज। अब मैं नया फेसबुक पेज क्रिएट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये देखें, ये राइट कॉर्नर में लिखा हुआ है क्रिएट पेज, इस पर हम क्लिक करूँगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखें ये आ रहा क्रिएट पेज। आप इसमें से कैटेगरी को चूज़ करेंगे कौन सी कैटेगरी है। मसलन अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह के बारे में है तो यहाँ से बिज़नेस कंपनी वगैरह कोई ये कोई प्रोडक्ट वगैरह के बारे में है, आर्टिस्ट है, पब्लिक है, इंटरटेनमेंट्स वगैरह, कॉज और कम्यूनिटी वगैरह, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करके बुक्स वगैरह जो भी एल्बम वगैरह है उसके बाद यहाँ पर उसका नेम टाइप करेंगे। और इसका जो दूसरा मेथड है उसके लिए हम सबसे पहले तो किसी फेसबुक पेज को ओपन करेंगे। मसलन मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ स्माइल जॉक्स को। इसको मैं जब ओपन करूँगा तो अब हम इसी के ज़रिए फेसबुक को अपना पेज क्रिएट करेंगे। उसके ज़रिए किस तरह से क्रिएट करेंगे उसके लिए सबसे पहले आप ये देखें शेयर के साथ जो डॉट वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये देखिए आ रहे हैं इनवाइट फ्रेंड्स, ब्लॉग पेजेस, क्रिएट पेजेस। अब आप इसमें से क्रिएट पेजेस पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पेज पर क्लिक करेंगे तो वह देखो उस तरह से आ रहा है क्रिएट पेज, उस तरह से पेज आ गया जिस मदद से पहले आया था। इस तरह से अब मैं आपको तीसरा मेथड और आखिरी बताने लगा हूँ कि किस तरह से आप क्रिएट करेंगे। उसके लिए ये देखें जहाँ से हम इस ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट का है ऑप्शन वगैरह जहाँ से हम लॉग इन लॉग आउट होते हैं उसी के आप ऊपर देखें तो लिखा है फ्रंट पर क्रिएट पेज, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही आपके पास वो आ जाएगा क्रिएट पेज। अब मैं इसमें से आपको फेसबुक पेज क्रिएट करके दिखाऊंगा किस तरह से करते हैं। मसलन मैं यहाँ से एंटरटेनमेंट को यूज़ कर लेता हूँ, चूज़ किया, उसके बाद मैं यहाँ से कोई कर लेता हूँ मसलन के लाइब्रेरी आर्ट्स मूवी करेक्टर्स वगैरह। मैं यहाँ से म्यूज़िक वीडियो वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पर पेज का नेम रखना चाहता हूँ तो क्या रखूँगा मैं, आप जो भी रखना चाहें वो रखें। मसलन मैं यहाँ पर रख लेता हूँ वीडियोस विद फन विद स्माइल लिख देता हूँ मैं, या फन विद स्माइल ऑलरेडी है इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फन विद अदनान। मैं उसका नेम लिखूंगा और यहाँ से गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दूंगा। जब मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए थोड़ी सी वेट लेगा, थोड़ी सी वेट लेने के बाद ये प्रोसेस थोड़ा सा जारी है उनका, इसमें थोड़ी सी देर लगती है। उसके बाद ये देखिए हमारे पास नई विंडो ओपन होगी।
इस पर हम दोबारा क्लिक कर देते भाई, क्लिकिंग टू गेट स्टार्टेड। ये देखिए ऊपर ये प्रोसेस जा रही है, हमारा जो है फेसबुक पेज भी क्रिएट हो चुका है। ये देखिए अब हमने इस पर कोई पिक्चर वगैरह लगानी है तो यहाँ से अपलोड पर रहेंगे, कोई पिक्चर वगैरह चूज़ कर लेते हैं, मसलन मैंने ये वैसे ही सेलेक्ट कर ली। इस तरह से हम कवर पिक्चर वगैरह ऐड करेंगे, जो भी ऐड करनी है मसलन मैं यहाँ पर ये कवर वगैरह पिक्चर्स वगैरह मैं चूज़ कर लेता हूँ। इस तरह से ये देखिए आ गई है, ये प्रोफाइल के बारे में आ रहा था कि किस तरह से करना है। ये ऐड कर दी मैंने, उसके बाद ये देखिए ये दूसरी भी आ गई है। प्रोफाइल पिक्चर के बाद मैंने ये इकट्ठी कर दी, ये मैंने गलत काम किया। इस तरह से ऐड कवर करेंगे हम, ऐड कवर के लिए कोई और पिक्चर चूज़ कर लेते हैं। ये देखिए मसलन मैंने इसको चूज़ कर लिया स्टाइलिश कवर, ये देखिए हमारे जो दो पोस्टर्स हो चुके हैं यहाँ पर। वेलकम टू योर पेज, वो कह रहे हैं आपका पेज क्रिएट हो चुका है, क्रिएट यूज़र नेम ऑफ योर पेज वगैरह, इसमें कुछ सेटिंग्स वगैरह आपने करनी है वो करें। सबसे पहले तो आप इसको लाइक कर लें, अपने पेज को लाइक करने के बाद आप दोबारा से होम पर जाएं। होम पर जाने के बाद आप इस तरह से यहाँ पर पेजेस पर क्लिक करेंगे, पेजेस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये सबसे पहले ही आ रहा है। अगर आपको ये पता नहीं चलता कि आपका कौन कौन से पेजेस हैं तो आप जब यहाँ पर नीचे आएंगे तो सबसे पहले ये ऊपर वाला आपके पास आ जाएगा, फन विद अदनान। यानी कि फन विद अदनान ये ओपन हो चुका है, इसमें ये देखिए ये कुछ इस तरह से पोस्टर्स वगैरह आ रही है। आपने जो भी पोस्टर्स वगैरह करनी है वो यहाँ पर आकर पेस्ट कर देनी है। मसलन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाय व्यूअर्स, चलो जो भी है ये लिख दिया मैंने, इसको पब्लिश करूँगा। बूस्ट पब्लिश नहीं करना आपने, जब भी करना है पब्लिश करना। अगर आप बूस्ट पब्लिश करेंगे तो वो पैसों की मदद से होती है। उसके बाद अपने फ्रेंड्स वगैरह को इनवाइट करें, इनवाइट किस तरह से करेंगे उसके बारे में मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी है, मेरे चैनल से वो देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये देखिए ये हो चुकी है, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नेम है लर्निंग विद स्माइल। इसमें मैं बहुत सी वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, मतलब ये देखें मैंने इसमें ये पोस्ट की है। अपने फेसबुक ग्रुप्स के तमाम फ्रेंड्स को एक क्लिक में ऐड करें, उसके बाद मैंने इसी तरह से 50,000 लोगों को एक दफ़ा फेसबुक पेज में इनवाइट कर सकते हैं, और इस तरह से अपने तमाम फ्रेंड्स को भी आप एक दफ़ा फेसबुक पेज में इनवाइट कर सकते हैं। किस तरह से इनवाइट करेंगे अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।